कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल होते हैं जिसके थ्रू जो मैसेजेस आता है वन सेल से दूसरे जो नर्व सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मैसेजेस आता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, नर्व्स में जितने भी हमारे बॉडी में सेंसेशंस होती है या फिर जो भी मैसेजेस पास होते हैं कि हमने क्या देखा है, क्या चीज़ परसीव किया है, हर एक का जो फॉर्म रहती है वो एक केमिकल फॉर्म में रहता है और हमारा नर्वस सिस्टम जो रहते हैं, नर्व सेल्स जो रहते हैं, उस मैसेजेस को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो वही बोल रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होती हैं, एक केमिकल्स रहती हैं जिसको जिसके थ्रू जो भी मैसेजेस रहता है उसको वन नर्व सेल्स टू अनदर नर्व सेल्स में उस मैसेजेस को क्या करना, पास करना, कैरी आउट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो नर्व इम्पल्सेस रहते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट नर्व सेल्स जो रहता है वहाँ से एक्सॉन के थ्रू एक सिंगल बॉडी से निकल के फिर क्या करते हैं, जो अनदर नर्व सेल्स रहते हैं, दैट मीन्स कि एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन रहता है वहाँ से लेके जो सिनेप्टिक नोब्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ तक क्या करता है, वो जो मैसेजेस रहते हैं नर्व इम्पल्सेस जो केमिकल फॉर्म में आता है वो चीज़ क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपन पहले डायग्राम देख लेते हैं तभी समझ में आएगी। ठीक है, ये जो रहते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये जो है उसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जो है जहाँ से मैसेज ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन। ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो एरो का निशान है वो क्या है? हमारा मैसेजेस। और इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है इसको अपन बोलते हैं साइनेप्स।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जितना भी, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे ठीक है, ये जो आ रहा है ये क्या है आपका मैसेजेस। इसी ये क्या रहते हैं न्यूरोट्रांसमिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि जो भी हमारा मैसेजेस रहते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से जितने भी स्टिमुलाई अपन देखे, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो क्या होते हैं, यहाँ पे अपना नर्व्स इम्पल्सेस जो है वो आता है। ये जो नर्व्स इम्पल्सेस रहते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पहले गए सेल बॉडी में, स्मूथ सेल बॉडी में, उसके बाद फिर क्या किए ये एक्सॉन के थ्रू क्या करते हैं, जो नर्व्स एंडिंग रहता है वहाँ से एक्सॉन का जो एंडिंग पोर्शन रहता है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं ये, उसके बाद ये जो साइनेप्स रहते हैं इसके साइनेप्टिक नोव्स तक क्या करते हैं, ये लास्ट पोर्शन तक, वहाँ तक जो है मैसेजेस, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं, जो भी मैसेजेस रहती है वो क्या करती हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, हर एक साइनेप्टिक नोव्स जो रहता है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विथ डेंड्रॉइट्स। यहाँ का जो साइनेप्टिक नोव है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, डेंड्रॉइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा और सेल बॉडी। ठीक है, ये जो डेंड्रॉइट्स है यहाँ से लेके ये तक जो है वहाँ तक हर एक साइनेप्टिक नोव्स जो है वो क्या करता है, अपना कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये एक बॉडी का हो गया, ऐसे ही जो अनदर नर्व सेल्स का बॉडी है वहाँ तक फिर क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का जो अदर न्यूरॉन्स रहते हैं वहाँ तक ये क्या करते हैं, अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो साइनेप्टिक नर्व रहता है ये क्या करता है, एक वेसिकल्स को कंटेन करके रखा रहता है जिसमें क्या होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और यहीं पे क्या होते हैं, ये जो वेसिकल्स रहती है इसी में क्या होते हैं, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टोर होके रहता है। और यहीं से ही जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहीं से ही रिलीज हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि साइनेप्टिक नोव जो रहते हैं, हर एक साइनेप्टिक नोव जो है वो क्या होता है कि डेंड्रॉइट्स और सेल बॉडी जो अनदर न्यूरॉन हैं उसके डेंड्रॉइट्स और सेल बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो है वो न्यूरोवेसिकल को कंटेन करके रखते हैं। और यही न्यूरोवेसिकल से क्या होते हैं है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होती है, ट्रांसफर होते हैं, दैट मीन्स कि रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सम यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सेल बॉडी जो रहता है, तो ये जो नर्वस सेल्स न्यूरॉन्स है, ठीक है,
एक नर्व्स है, वो क्या करता है, डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सारे चीज को क्या करके रखता है, कंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर का साइकेट्रिक में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, जिसके थ्रू वो कौन सा चीज़ इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा डिजीज लीड करता है, या फिर हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, या फिर क्या चीज़ को वो लीड करता है इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट हमारा जो चीज है वो क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे अपन ग्रुप, ठीक है, ये जो है वो आपका क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका लोकेशन, ठीक है, दैट मीन्स की साइट ऑफ सिक्रेशन। ठीक है, और क्या होती है इसका, हो गया आपका ग्रुप न्यूरोट्रांसमीटर। साइट ऑफ सिक्रेशन, फंक्शन, बनेगा इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर का, यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन क्या देखते हैं, अमाइनो एसिड। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका क्या है, अमाइनो एसिड। ग्रुप का नेम क्या है आपका, अमाइनो एसिड। ठीक है, इसमें आपका दो चीज आता है, गाबा, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का नेम है गाबा, ठीक है। और इस ग्रुप में और एक आता है ग्लाइसिन, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। गामा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो अपन देखते हैं कि इसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ होता है, ये जो है वो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम में होता है, और बेसल गैंग्लियन कहाँ कहाँ होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, सेरिबेलम में होता है, और बेसल गैंग्लियन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
इसका सिक्रेशन कहाँ कहाँ होता है, साथ ही साथ रेटिना, ये जो गाबा है वो क्या करता है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे सिक्रेशन होते हैं, जो कि हमारा ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रम पार्ट में, बेसल गैंग्लियन पार्ट में, आइस का रेटिना पोर्शन में और स्पाइनल कॉर्ड में, इसका जो फंक्शंस होती है वो क्या करता है, जितने भी बॉडी के एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, मोमेंट, ये सारे जो एक्टिविटी होते हैं वो उसको क्या कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है। डैट मीन्स कि ये क्या करता है, पूरा जितना भी एक्टिविटी होती है ठीक है, जितना भी हमारा जो भी बॉडी का एक्टिविटी रहता है उस चीज को क्या कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है। यदि इसके इंक्रीज होता है, यदि हमारा जो गाबा का लेवल है वो यदि इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में सम साइकेट्रिक डिसीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है आपका टेम्पोरल लोब में एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी होने की चांसेस रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल सेरिब्रल जो रहता है वो क्या होता है, उसका डिजनरेशन। ठीक है, तो और एक चीज होता है यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिसीज एक डिजनरेशन का होता है, जिसमें ब्रेन का जो भी सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है और उसको अल्जाइमर वगैरह जो है डिजीज, फॉरगेटफुलनेस का वगैरह वहाँ पे लीड करता है। तो वही बोल रहा है कि यदि गाबा का लेवल जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड पे उसका यदि सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकती है, टेम्पोरल लोब में एपिलेप्सी हो सकता है, स्पाइनल जो सेरिब्रल रहता है वो क्या होगा, डिजनरेट होगा, साथ ही साथ हमारा जो हंटिंगटन डिसीज रहता है वो भी होने की चांसेस रहती है। गाबा का फंक्शन ही क्या होता है, इनहिबिटरी, यही हर एक चीज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और यदि इसकी लेवल जो है उसमें कमी आती है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकती है, सिजोफेनिया हो सकता है। ठीक है, ये था आपका गाबा का। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो रहती है वो कहाँ सिक्रेट होती है, हमारे फोरब्रेन में होती है, रेटिना में होती है और स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ पे होती है, फोरब्रेन में, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करती है, रिकरेंट इनहिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन, जितने भी मोटर न्यूरॉन रहते हैं उसको फिर से क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो इसके इंक्रीज होने से भी वही होता है, एपिलेप्सी वगैरह लीड करते हैं, और यदि डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड का ग्रुप रहता है, यदि उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन पे एपिलेप्सी, स्पाइनल सेरेब्रल डिजनरेशन होता है, हंटिंगटन डिसीज होता है, और यदि उसकी लेवल डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गया, या फिर सिजोफ्रेनिया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी भी वहाँ पे आपको लीड कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक में आपका आता है एसिटिल कोलिन, जो कि हमारा कॉग्निटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए।
यदि इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमको अल्जाइमर डिजीज वगैरह जो है वो लीड करता है। इसका भी वही है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन देते हैं, बेसल गैंग्लियन में देते हैं। इसके अलावा ये जो है वो कहाँ अपना सिक्रेट करता है, हमारा हिप्पोकैम्पस जो कि एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ लिम्बिक स्ट्रक्चर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में करता है। ठीक है, उसके अलावा ये बेसल गैंग्लियन में करता है। फिर यहाँ पे जो हम नए जगह पे देखे वो क्या है, हमारा ब्रेन का एक पार्ट होती है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हो गया, और हमारा और एक पार्ट होती है वो कहाँ होता है, हमारा लिम्बिक स्ट्रक्चर। इस जगह पे ये अपना जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका वो करता है, सिक्रीशन करता है। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये जो रहती है वो स्लीप के लिए, पेन परसेप्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, साथ ही साथ मूवमेंट के लिए और मेमोरीज के लिए। किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्लीप के लिए रहती है, पेन के लिए, ठीक है, पेन परसेप्शन के लिए रहती है, और मूवमेंट के लिए और मेमोरी। ठीक है, ये जो रहता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, स्लीप के लिए रहता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि हमारा क्या हो गया, अराउजल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, अराउजल के लिए भी ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, और पेन परसेप्शन के लिए, साथ ही साथ मूवमेंट के लिए और मेमोरीज के लिए मेनली ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। यदि इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में मेमोरी लॉस भी हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, धीरे धीरे क्या करती है, ये एक डिजनरेटिव डिजीज होती है जिसको लीड करता है, वो क्या होती है, हमारा अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, ये जो है वो किसको लीड करता है, अल्जाइमर डिजीज, और साथ ही साथ पार्किंसन डिजीज को भी ये क्या करती है, लीड करती है। यदि इसकी इंक्रीज होती है तो ये जो है वो डिप्रेशन को लीड करता है। ये सारे कंडीशंस क्या हैं, आपके मेंटल इलनेस हैं। यदि इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, दैट मीन्स कि एसिटिल कोलिन की है, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो उस कंडीशन में हमको अल्जाइमर डिजीज होने की चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ पार्किंसन डिजीज भी होने की चांसेस रहती है। यदि इसकी लेवल इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में आपको डिप्रेशन होने की चांसेस रहती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रुप जो है वो क्या है, आपका मोनोअमाइन। ठीक है, मोनोअमाइन ग्रुप्स आते हैं जिसमें आपका क्या आता है, नॉर इपिपेनिथ्रिन। नॉर इपिनेफ्रिन
ठीक है, ये जो ग्रुप आता है उसमें क्या आता है, आपका नॉरएपिनेफ्रिन का ग्रुप जो रहता है उसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड होता है। ये जो रहती है वो कहाँ से क्रिएशन करता है, अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स रहती हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस में हमारा ये जो रहता है वो क्या करते हैं, सिक्रेशन करती है। जैसे कि थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, और हिप्पोकैम्पस, ये सारे एरियाज में क्या करते हैं, अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे अपना जो है वो क्या करता है, अपना सिक्रेशन करता है। इसका जो मेन फंक्शन रहता है, ये मूड को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारा कॉग्निशन के लिए, परसेप्शन के लिए और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके किसके लिए होता है, ये स्लीप के लिए होता है, कॉग्निशन, परसेप्शन, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, इसके लिए क्या होते हैं, ये जो रहता है वो आपका मूड हो गया, ये सारे चीज़ के लिए आपका जो नॉन एपिनेफ्रिन रहता है वो चीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि इसकी इंक्रीज होती है तो इसमें भी आपको डिप्रेशन होने की चांसेस रहती हैं, और साथ ही साथ यदि इसकी लेवल डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में एंजाइटी स्टेट या फिर सिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया आपको लीड कर सकते हैं। मेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है, मेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, और आपका जो है वो क्या हो सकता है, एंजाइटी स्टेट भी लीड कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार न्यूरोट्रांसमीटर को देखे। टोटल हमारे बॉडी में कितने न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, 7 न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। इसकी यदि लेवल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो हमको वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस जो है वो लीड करता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज, एपिलेप्सी या फिर मेनिया, सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, ये सारा चीज जो डिजीज रहता है, मेंटल इलनेस वो लीड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन देखेंगे, वो क्या है आपका, सीरोटोनिन, इसी का एक ग्रुप है आपका, क्या है, सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन जो है वो कहाँ पे देता है, सीक्रेट करता है अपना, वो जो है सेरिब्रेलम हो गया, बेसल गैंग्लियन हो गया, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इस जगह पे अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो क्या करता है, यहाँ पे सिक्रेट करता है। यदि इसका फंक्शन देखें तो ये जो रहती है वो स्लीप एंड अराउजल के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। साथ ही साथ हमारा एपेटाइट के लिए, ठीक है, ये जो है वो किसके किसके लिए रहता है, तो हमारा स्लीप एंड अराउजल, एपेटाइट हो गया, एग्रेशन हो गया, पेन हो गया, इस चीज के लिए ये क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि इसकी इंक्रीज होती है, सीरोटोनिन का लेवल यदि इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में एंजाइटी हो सकता है।
और यदि इसकी लेवल डिक्रीज होती है तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। लास्ट जो है वो हमारा न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। कौन सा ग्रुप है? न्यूरोपेप्टाइड्स। ठीक है, इसमें आपका आता है एंडोमॉर्फिन। एंडोसिंस आता है, ये इसका नाम क्या है? एंडोसिंस। ये जो रहती है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में अपना सिक्रेशन देता है, लिम्बिक सिस्टम में देता है। और ये जो रहती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मॉड्यूलेशन ऑफ पेन एंड रिड्यूस पेरिस्टाइलिस। जो पेरिस्टाइलिस मोमेंट रहती है उस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका यदि लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है तो उसको सिजोफ्रेनिया होने की चांसेस रहती है। तो ये था वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यदि उसकी लेवल इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो उस चीज में ये जो है वो अपना फंक्शन करते हैं।